Hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. My friends, मैं आमिर अंसारी, आप सभी लोगों का अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन के डे नंबर वन के फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? अरे बाबा, मेरे को रात को फिल्म देखने का मन कर रहा है। अरे बाबा, कितने बजे का पिक्चर देखने की? 11:59 का लास्ट शो है, सुबह आओ, थिएटर बंद हो गया है। ये ऐसा नहीं होता रे बाबा, मेरे को रात को 1 बजे देखने का मन करता तो 1 बजे भी देखेगा रे मैं बाबा, ऐसा सब नहीं होता है। जाओ यहाँ से। ऐसा होता है मेरा भाई, क्योंकि गाइस वो कहते हैं ना, जितना डिमांड उतना सप्लाई। ये मुंबई नगरिया है, यहाँ पर जिस तरह का डिमांड होगा उस तरह का सप्लाई आपको मिलेगा बॉस। एंड गाइस, मुंबई इज कम्प्लीटली इन सिंगम मोड, मुंबई इज सिंगमिफाइड। क्योंकि गाइस, ये सपना जो रोहित शेट्टी और अक्षय कुमार ने सूर्यवंशी में देखा था, वो अब जाकर सिंघम अगेन में जो है वो पूरा होने जा रहा है। 24 आवर्स तक सिंघम अगेन के शोज जो है हमारे आमची मुंबई में जो है वो चलने वाले हैं। यस, यू हर्ड मी राइट, मूवी मैक्स साइन 1:55 AM का शो है। अभी मैंने पता किया है, दे आर वॉकिंग टिल 2 o'clock इन द नाइट। यस यस, मेरा भाई पूरा स्टाफ वहां पर है सिनेमा घर में। एंड 1:55 AM का शो मूवी मैक्स साइन वालों ने लिटरली स्पीकिंग रखा है, एंड टिकट्स वहां के यूं बिक रहे हैं। इतना ही नहीं, मैक्सेस सिनेमा भयंदर 1:30 AM ब्रेकिंग न्यूज कमिंग इन, सुबह के 3:30 बजे के शो है सिंघम अगेन के। 24 आवर्स सिंघम अगेन चल रही है। अगर ये फिल्म खराब होती तो सैटरडे को 1 बजे 3 बजे के शोज नहीं होते। पागल नहीं है एग्जीबिटर्स, पब्लिक पागल नहीं है, तो पब्लिक को पागल मत बनाइए कि सिंघम खराब फिल्म है, सिंघम बेकार फिल्म है। वक्त आ गया है जब जनता जो है वो समझदार हो चुकी है। तो जितने भी चिंटू है जिन्होंने पूरे दिन पूर्ण तरीके से कोशिश की है ये बताने में कि सिंघम अगेन एक खराब फिल्म है, करारा जवाब मिलेगा। जनता जनार्दन जवाब देगी, और इनको जवाब देने के मतलब ही क्या है, इनकी अहमियत ही क्या है। जनता फिल्म देखती है, जनता ही फैसला करती है। 1:30 AM, 3:30 AM, 6:30, 7:30, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 2:30, 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 8, 11, 11:55 तक ब्रेकिंग न्यूज, सिंघम अगेन प्लेइंग इन सिनेमाज 24 आवर्स, 24 घंटे पूरा सिनेमा घर चालू है यहाँ पर। मैक्सिस सिनेमा बोरीवली 2 बजे सुबह का शो है, 6:30 बजे का शो है। ये फालतू फ्लॉप फिल्मों के लिए नहीं होते, ये वही फिल्में जो चलती है उनके लिए होती है। मूवी मैक्स मीरा रोड 1:35 AM का शो है, मस्ती करो, इंजॉय। ये है मुंबई नगरिया, इंजॉय पार्टी मेरा भाई, सिंघम पार्टी एस जस्ट बिगन। एंड गाइस, लिटरली स्पीकिंग, आई एम सुपर एक्साइटेड भैया। हम तो चाहते हैं भैया 24 घंटा सिनेमा घर खुला रहे भाई, रात को मस्त जाकर थिएटर में फिल्म देखकर पॉपकॉर्न खाए जाकर। तो क्या ऑब्वियसली मुंबई नाइट लाइफ है, बहुत लोग पूरा दिन काम करते हैं, रात को फिल्म देखते जाकर। नाइट लाइफ मुंबई कितनी सॉलिड अब सभी लोगों को मालूम है। तो सिनेमा घर से बेस्ट प्लेस क्या है चिल मारने के लिए, एंड ये दिवाली लिटरली सिंघम वाली होते हुए दिखाई दे रही। तो भैया शाम को हम थोड़ा एक्साइट हो गए भाई, उम्मीद के 50 करोड़ कमाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 50 करोड़ तक नंबर नहीं जा रहा है। लेकिन अब 11:30 का डेटा, 11:55 PM का डेटा, 11:59 PM का डेटा, ये अभी तक नहीं आया है। मैं 11 बजे वीडियो बना रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि रात को क्या कलेक्शंस होगा। तो इंतजार करेंगे हम फाइनल फिगर का, एंड कृपया करके रिलायंस एंड जियो स्टूडियो सूर्यवंशी की तरह जितना कलेक्शन आ रहा है उतना देना, अंडर रिपोर्ट नहीं करना। अगर 21 करोड़ आ रहा है तो 21 ही देना, 20 करोड़ मत रिपोर्ट करना प्लीज। सूर्यवंशी का टाइम आप लोगों ने किया था, सूर्यवंशी आराम से 200-210-215 करोड़ जाती थी। डन, जितने भी अक्षय कुमार के फैन रहे थे उनके फैन, उनको मालूम उस समय क्या हुआ था, मैं वही फिल्म के खड़ा था। तो देखते हैं इस टाइम क्या होता है, क्या कलेक्शन रिपोर्ट होते हैं। लेकिन फिलहाल बात करते हैं ऑक्यूपेंसीज की। मॉर्निंग अच्छी ओपन हुई, मैं आपको फाइनल ऑक्यूपेंसी बता रहा हूँ पूरे दिन की। 40% पे मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी ओपन हुई, आफ्टरनून होते होते 72 हुआ, एंड इवनिंग 77 हुआ। यानी कि पूरे दिन हमने देखे कि ऑक्यूपेंसी जो है इस फिल्म की जो बढ़ती जा रही है, मुंबई सर्किट में सिंघम अगेन को कोई कंपटीशन नहीं है। बाकी जगहों पर भूलभुलैया 3 जो है फैमिलीज की एंड बच्चों की पहली पसंद जो है बनते जा रही है, लेकिन जो मास ऑडियंसेस है उनकी पहली पसंद यहाँ पर सिंघम अगेन जो है वही रहने वाली है। ऑक्यूपेंसी द क्रेजी,
कान खोल के सुनो, मुंबई 1071 शोज में 82% है, दिल्ली एनसीआर 1300 शोज में 80% है, पुणे की बात करूं 471 शोज में 46% है। कल पुणे की ऑक्यूपेंसी डेफिनेटली क्रेजी होने वाली है। नमो बेंगलुरु 360 शोज में 67% की ऑक्यूपेंसी है। बात करो हैदराबाद 250 शोज में 60%, 60। कोलकाता 332 शोज में 74%, वेरी स्ट्रॉन्ग। बात करो अहमदाबाद की, दिस इज वेयर आई एम रिलाइंग, दिस इज वेयर आई एम पुटिंग माई मनी ऑन, 747 शोज है। यस फ्रेंड्स, 747 शोज है अहमदाबाद में एंड 88% की ऑक्यूपेंसी है। इंतजार रहेगा कल के शो काउंट का, लेट्स सी कल जब फाइनल शो काउंट आता है डे नंबर 2 का कितने बढ़ते हैं कितने कम होते हैं। चेन्नई 100 शोज में 95% ऑक्यूपेंसी है, 95% की ऑक्यूपेंसी है। सूरत में 405 शोज में 87% है। सिंगम हैज परफॉर्म एक्सट्रीमली वेल टुडे ऑन इट्स फर्स्ट डे। मैंने पहले कहा था सेकेंड पार्ट ने 32 करोड़ की ओपनिंग ली थी, डेफिनेटली जो थर्ड पार्ट है उसको गाइज यहाँ पर 40+ करोड़ कमाई जो है करनी है, डेफिनेटली फिल्म करते हुए दिखाई दे रही है। जयपुर 165 शोज में 98%, इट इज कैपेसिटी। अगर ये फिल्म सोलो आती तो नहीं नहीं करके भी 55-60 करोड़ की ओपनिंग लेती। भोपाल 87 शोज में 85%, बट वॉट इज शॉकिंग इज लखनऊ 227 शोज में नाइट ऑक्यूपेंसी 98 एंड थ्रू आउट द डे इवन द इवनिंग वॉज 89%। इसलिए गाइस माय फाइनल प्रेडिक्शन फॉर सिंगम अगेन इज 45 करोड़ रुपीज। ह्यूमंगस भूल भुलैया 3 नेक टू नेक चल रही, 36-37 कमा रही है एंड साथ में सिंगम जो है यहाँ पर 45 करोड़ कमा रहे हैं। व्हाट अ दिवाली दिस हैज बीन, ऑलमोस्ट 80 करोड़ का यू नो डे नंबर 1 आया है भूल भुलैया सिंगम मिलाकर, ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि। लेकिन सबसे पहले जो भैया हमारी परंपरा रही है, हाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस अजय देवगन फॉर गिविंग योर फर्स्ट फिल्म ऑन एनी डे 40 करोड़ रुपीज। आसान नहीं है 40 करोड़ की ओपनिंग देना, बहुत कम हीरोज देते हैं। अजय देवगन की करियर की पहली फिल्म है जहां पर उन्होंने ओपनिंग डे 45 करोड़ की दी है गाइस। ये फिल्म अजय देवगन की है, ये सिंघम अजय देवगन है एंड रोहित शेट्टी करियर की पहली फिल्म है। अजय देवगन एंड रोहित शेट्टी 3 फिल्में दे चुके हैं 30 करोड़ की ओपनिंग वाली, एक तो गोलमाल 4, सिंघम 2 एंड अब सिंघम 3 यानी कि सिंघम अगेन। 3 फिल्में 30 करोड़ की ओपनिंग देना छोटी बात नहीं है, इसने 45 करोड़ की ओपनिंग ली है। वेट फॉर द फाइनल नंबर्स, कल सुबह जब हम डे नंबर 2 के नंबर्स डिस्कस करेंगे जानने की कोशिश करेंगे क्या ये 1159 के शोज जो है भैया फटाकों से स्वागत हो रहा है भाई। हैप्पी दिवाली भाई, हैप्पी दिवाली, स्मैशिंग एटमॉस्फियर, बॉक्स ऑफिस में पटाखे फूट रहे हैं, सभी जगह पर पटाखे फूट रहे हैं। दिवाली का अवसर है, खुशियों का अवसर है एंड बॉक्स ऑफिस पर भी खुशियां बरसी है। सिंगम अगेन 45 करोड़ की ओपनिंग, ह्यूमंगस एंड आने वाले 2 दिनों में कोई ना कोई दिन ये 50 करोड़ मारने वाला है। इंतजार करिए, शोज जो है रात के 1 बजे भी है, 3 बजे भी है, 5 बजे भी है, एंजॉय। आईमैक्स में भी लगा हुआ है, हम तो भाई आईमैक्स में देखेंगे भाई, जाकर आनंद लेंगे बड़े पर्दे पर। साइनिंग ऑफ यू कैन सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन, हैप्पी दिवाली।